नमस्ते नमस्ते, गुड आफ्टरनून। मैं आज का ट्रेड को एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ। मैं रिलायंस में मेरा टारगेट था 51, लेकिन क्योंकि मॉर्निंग में एक स्टॉप लॉस हुआ था 19:6 में, मैं एग्जिट कर दिया 31 पे। अभी ऊपर जा सकता है, 51 पे जा सकता है। एक्सप्लेन करता हूँ एक कितना प्रॉफिट आया लॉस आया उससे मतलब नहीं है। इसमें जो बताता हूँ वो जो HDFC बैंक में जो फंडामेंटल गलती था उसको बताने का कोशिश करता हूँ मैं। उसके पहले अगर किसी को वीडियोस चाहिए ना भाई, हाँ ये सैटरडे संडे मेरे पास टाइम होगा तो यू सेंड मी अ रिक्वेस्ट। फीस है 5,000 रुपीज़। ओके, अगर किसी को इंटरेस्टेड है मुझे बेच सकते हो। मंडे के बाद मैं किसी को बेचता नहीं हूँ। ओके, स्टडी मटेरियल किसी को बेचता नहीं हूँ मंडे के बाद। उसके पहले अगर आज कल मेरे पास टाइम होगा वीडियो सेंड करने के लिए, इनक्रिप्ट करके सेंड करना पड़ेगा, टाइम है तो मैं आपको सेंड कर सकता हूँ। ओके फाइन। HDFC बैंक में एक इम्पोर्टेंट लेवल था। कौन सा दिन का इम्पोर्टेंट लेवल है? ये जो कैंडल है ना, ये जो कैंडल का ब्रेक इनसाइड लेवल है। ओके, उसको मैं मार्क किया हूँ, इम्पोर्टेंट लेवल है। ओके, एक्चुअली कल इसके अंदर क्लोज हुआ था। जब मॉर्निंग में कल का स्ट्रक्चर इसमें हायर रही था, जब मॉर्निंग में ओपन हुआ इसलिए स्ट्रांग नहीं है, इसके ऊपर खुलना चाहिए था। हवेवर ये इसका इम्पोर्टेंट कैंडल है कल का। ये रेंज मतलब अंदर खुल के मतलब वीक नहीं है ये, इसके हिसाब से कल के हिसाब से वीक नहीं है। तो वो कारण से मैं जब ये लेवल पे आते ही हाँ जब ये लेवल पे ही आते ही, क्योंकि कल ऊपर गया था ना ये, इधर से इधर तक गया था, इधर गया के ऊपर गया था, इसको ब्रेकआउट किया था। इसका मतलब है ये जोन में इसको सपोर्ट मिलना चाहिए। ये जोन में आते ही मैं क्या किया, इस जोन में आते ही कोई कंफर्मेशन नहीं था। ये कैंडल होते ही मैं इसको इधर एंटर करके इसका स्टॉप लॉस लगा दिया, लेकिन ये स्टॉप लॉस होना ही वाला था क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट है इसमें HDFC बैंक में। इधर के जब कही था मैंने ये लेवल टच करना चाहिए, वो साइकोलॉजिकल लेवल है तो इसको तोड़ेगा बोल के, तो बिना कंफर्मेशन मैं इसको एंट्री कर दिया। क्या है इसमें होता क्या है, ये दिन का जो हायर आई किया था इसका इंपॉर्टेंट कैंडल ये वाला है। ओके, ये वाला इसका इंपॉर्टेंट कैंडल है। अगर आप देखते हो मुझे कंफर्मेशन करना पड़ता था, मतलब जब इधर आके ब्रेक इन सेल करने का कोशिश कर रहा है, पहली बार आया तो इधर से इधर तक उठा, सेकेंड टाइम इधर से इधर तक उठा। ओके, एक्चुअली ये हायर आई करना चाहिए था, उसके पहले ही मैं इसको मार दिया। इसको तोड़ के अगर जिगजैग डालते हैं ना, ये क्लियरली लोअर लो इसने बना दिया था। ओके, मतलब क्या बोलते हैं इसको, ये बोलना चाहिए। ओके, एक्चुअली ये हाई तोड़ने के बाद मुझे इसमें ट्रेड करना था। ओके, लेकिन पहले ही कर दिया तो स्टॉप लॉस गया इसमें। ओ शिट, रिलायंस टारगेट पे जा रहा है। फिफ्टी वन था टारगेट, थोड़ा एंग्जाइटी में क्या है रिलायंस में क्या है, ये लेवल को तोड़ा था ना, इसके अंदर है तो इसको रेजिस्टेंस इधर मिलेगा 51, क्योंकि इधर भी एक चीज़ था। देखो इसने इसको तोड़ा था, इधर ये लेवल है, ये हाई 35 पे लोअर लो करना शुरू कर दिया था, ये ब्रेकआउट करके इसने लोअर लो करना शुरू कर दिया तो 1:6 हो गया, मैं एग्जिट कर दिया। एक्चुअली 51.50 उधर तक जाएगा। शट, ओके नो प्रॉब्लम, हो जा गया तो गया, क्या उसमें। तो ये स्टॉप लॉस इसमें हो गया। ओके, एक गलती है, फंडामेंटल गलती है कि भाई ये कंफर्मेशन होना चाहिए था। रिलायंस में क्या है, रिलायंस में मैं इसको कल भी ट्रेड किया था। कल ये जो 3P का लेवल है इधर आके वीक हो गया था तो लैटो एग्जिट अराउंड दिस एरिया। फिर भी ये वीकली का हाई जो था, वीकली का हाई इधर किधर भी था, वीकली का हाई इधर किधर भी था, कल इधर सपोर्ट लेके स्ट्रांग ही रहा, लेकिन 1:3 में 1:3.5 में मुझे एग्जिट करना पड़ा। ओके फाइन, आज क्या हुआ, आज क्या हुआ यही लेवल से आज ट्रेड करने के लिए, इसका मतलब है इसको मैं बता देता हूँ। देखो वो 51 पे जा रहा है भाई, शिट इसको कैसे। ऑल राइट, नो प्रॉब्लम, क्या है। ओके, कल का स्ट्रक्चर इसमें हायर रही था, सही है ना। इसका मतलब ये है अगर मैं मैक्रो में हायर रही है तो माइक्रो में अगर मैं ट्रेंड कंफर्मेशन करने का कोशिश करता हूँ, ट्रेंड को देखने का कोशिश करता हूँ, ये इधर से इधर तक गया था, बाद में इधर तक नीचे गिरा था, बाद में इधर किधर भी इसने कंफर्मेशन
कल इसने हाई बनाया था, सही है क्या? ये लेवल को इसने तोड़ा था। इसका मतलब है जब ये अप ट्रेंड में है, अगर ये अप ट्रेंड में है, जब नीचे आता है ना, दिस लेवल मतलब ये जो लेवल सेलिंग का जो लेवल है ना, वो उसका सपोर्ट बनना चाहिए। उसका मतलब है, मैं सब कुछ हटा रहा हूँ, ये जो कैंडल है हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल, ये इसका सपोर्ट होना चाहिए, समझ रहे हो ना? ये इसका सपोर्ट होना चाहिए। अभी अगर आप मॉर्निंग में देखते हो, ये सपोर्ट को हिट करते ही इसने हायर हाई करना शुरू कर दिया, करते मतलब अगर आप ज़िगज़ैग डालते हो ना इसमें, इधर से इधर तक गया, बाद में इधर तक नीचे गिरा, बाद में इधर हायर हाई इसने कर दिया। इसका मतलब है ये जो लेवल है, ये इसका सपोर्ट लेवल है। ओके, ये जो सपोर्ट लेवल है, ये इसका सपोर्ट बनता है। लेकिन हमें थोड़ी पता था कि भाई ऐसे आएगा, ऐसे ऊपर जाएगा। हमें जो कंफर्म करना था वो लेवल्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज मुझे ब्रेक इनसाइड ट्रेड करना है। ब्रेक इनसाइड ट्रेड करने का मतलब है इसमें कोई लॉस होता है ना, लॉस नहीं तो जो सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब देखो ये जो लेवल है 90, रेजिस्टेंस लिया था, रेजिस्टेंस लिया था, कल इसने इसके ऊपर क्लोज कर दिया था। इसका मतलब है ये जो लेवल है, ये इसका सपोर्ट एरिया है, समझ रहे हो ना? ये इसका सपोर्ट एरिया है। ओके, वो जो लेवल को हिट करके हायर ही कर दिया, तो ये सपोर्ट एरिया पे देखो, इधर कोई कंफर्मेशन नहीं था एंट्री करने के लिए, फिर भी ऐसा कुछ किया था। इसका मतलब है ये जोन में ये सपोर्ट ले रहा है। ओके, जब ये नीचे आ गया ना, जब ये नीचे आ गया, इसका मतलब है जब ये हायर ही कर दिया था, जब ये नीचे आ गया था, जो 90 पे लेवल जो है, ये जो 90 का लेवल है ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा भाई, ये मुंह को छोड़ दिया मैंने, शिट नहीं कन्विक्शन था, फिर भी थोड़ा एंग्जाइटी में उधर एक लेवल था ना। ये लेवल है, सॉरी, ये जो लेवल है ना, ये लेवल पे, ये लेवल को हिट किया, लेकिन इसने हायर हाई नहीं किया। उसके बाद ये लेवल को तोड़ने दिया। इसका मतलब है ये लो पलटने के बाद ये फटाक से इसके अंदर घुस गया। इसका मतलब है दिस इज अ स्टॉप लॉस, अभी इधर तक नहीं आना चाहिए, इधर से ऊपर जाना चाहिए। ओके, तो वो कारण से एंट्री था 90 पे, इधर से ऊपर जाएगा। एक्चुअली जो टारगेट है, टारगेट में इसको मान के चल रहा था, वो हिट हो गया क्या? 51.65 हिट हो गया। ओके, मैं ये जो लेवल है इसको एग्जिट कर दिया, क्योंकि मॉर्निंग में स्टॉप लॉस हुआ था ना, अगर स्टॉप लॉस नहीं हुआ था ना, मैं होल्ड करता था, क्योंकि 1:6 हो गया, तो बेवकूफ़ी मत करना इधर। ओके, मुझे जो चाहिए, जो 1 लाख का कैपिटल में जो मिलता है वो मिल रहा है, तो वो मिला है वो कारण से, फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये तो होता रहता है, क्योंकि कन्वेक्शनल ट्रेड है, कन्वेक्शनल इसमें अगर मिस कर दिया ना, तो ये हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ये आज का ट्रेड था। तो आज क्या डेट है, एक बेवकूफ़ी कर दिया मैंने, क्या है, मैं आज क्वार्टरली का लास्ट डे समझा था, नहीं तो HDFC बैंक को ट्रेड नहीं करता था मैंने, HDFC बैंक को ट्रेड नहीं। एक्चुअली इसको जो क्वार्टरली का बेस में इसका जो क्लोजिंग है, ये इसके ऊपर होना चाहिए। ओके, एक्चुअली मंडे एक दिन है, एक क्वार्टर का क्लोजिंग है, नहीं तो इसको कोई करंट से मैं ट्रेड नहीं करता था। अगर एटलीस्ट लो तोड़ने के बाद मैं ट्रेड करने की कोशिश करता था। ओके, ये नहीं हुआ था, मतलब लो तोड़ने के बाद कोई कंफर्मेशन नहीं है। ओके, मैं लास्ट डे माना था इसको, आज 27 है, 30th मंडे एक दिन है। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, क्या है, एक स्टॉप लॉस गया, गया क्या है उसमें, फिर भी स्टॉप लॉस शुड बी इन योर फेवर, समझ रहे हो ना? ओके, चलो भाई मिलते हैं। मैं बता दिया, वीडियोस अगर किसी को चाहिए ना, मुझे मैसेज कर दो, कल और परसों 2 दिन का टाइम है, मैं आपको सेंड कर देता हूँ। बाद में एक टेलीग्राम चैनल में एक ग्रुप बनाया हूँ, उसमें आपको ज्वाइन होना है, मैं आपके लिए क्लास भी लेता हूँ। ओके, मैं बताता हूँ क्या है बोल के। टेक केयर।